दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है, सुल्तान बिजनेस आइडियाज़ में। तो दोस्तों आज आप सभी के लिए और एक बिजनेस आइडिया लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही कम पैसे से इसे भी आप शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा बिजनेस है। ऐसे आप कहीं भी कर सकते हो, चाहे अपने गाँव में, चाहे अपने बाजार में, कहीं भी आप जहाँ कहीं भी रहते हैं ये बहुत ही आसानी से कर सकते हो और बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों अगर आप बिजनेस करना चाहते हो या बिजनेस करने सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कम पैसे से किस तरह का बिजनेस करें, या आपके पास पैसा बहुत ही कम है, आप सोच रहे हो किस तरह का बिजनेस करें इतने पैसे में। क्या होता है दोस्तों कि जब पैसा कम रहता है तो बिजनेस आइडिया जो है जल्दी मिलता नहीं है। इसीलिए दोस्तों मैं अपने चैनल पर ही बताता हूँ कि आप कम पैसे से किस तरह का बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसके बाद बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों क्या है, जब कम पैसा लगाओगे तो उसमें जो है कम पैसे वाला ही बिजनेस जो है आपको मिलेगा। तो आप उसमें ये मत देखिए कि ये तो ये बिजनेस है वो बिजनेस है, क्योंकि दोस्तों जब आप कम पैसा लगाओगे तो कम पैसे वाला ही बिजनेस आपको मिलेगा ना। इसीलिए दोस्तों कोई भी बिजनेस छोटा नहीं होता, ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो कोई भी बिजनेस हो उसी से क्या है, आदमी धीरे धीरे बढ़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि एक ही बार आदमी बड़ा हो जाता है, एक ही बार आदमी बड़ा बिजनेस करे। इसीलिए दोस्तों मैं इसमें यही बिजनेस बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और इसे आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 40,000 रुपये तक लगाकर इसे शुरू कर सकते हो और बहुत ही अच्छा चलने वाला बिजनेस है। तो दोस्तों मैं गन्ने का जूस का बिजनेस बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो कि आप सब जानते हैं, आप सब पिए होंगे। गन्ने का जूस का बिजनेस दोस्तों बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें आप सब जानते होंगे एक ठेला की तरह रहता है, उसमें इंजन फिट रहता है, जो कि उसी इंजन के माध्यम से जो है वो ठेला भी चलता है। तो इस तरह से जो है आप क्या कर सकते हो कि वो ठेला कहीं भी किसी भी जगह पे ले जाके आप जो है कहीं भी और बेच सकते हो। नहीं तो आप एक जगह जो है कहीं भी एक बाज़ार में अड्डा बना लीजिए, आप वहाँ पे भी इसे खड़ा करके आप वहाँ पे बेच सकते हो, क्योंकि दोस्तों वो ठेला में इंजन फिट रहता है। जो वो इंजन चलता है तो आपका जो है ठेला ऑटोमेटिक चलता रहता है। उसका एक मशीन रहता है जिससे मशीन भी चलती है, और उसका एक दूसरा चीज़ रहता है जो कि उससे ठेला भी आपका चलता है। तो इससे क्या रहता है दोस्तों, आप कहीं भी दूर दूर तक जो है अपना धंधा कर सकते हो, अपने गांव में ही, अपने बाजार में ही, कहीं भी आप आस पड़ोस में कहीं भी। दोस्तों गन्ने का जूस का बिजनेस इतना अच्छा बिजनेस है दोस्तों कि इसमें आपको जो है लागत एक ही बार लगाना है। एक बार आपने लागत लगा दिया तो उसके बाद आपको जो है लागत लगाने की जरूरत नहीं है, हर बार आप जो है इससे पैसा कमाते रहोगे। चाहे गर्मी हो, ठंडी में तो दोस्तों कम आदमी पीते हैं क्योंकि ठंडा रहता है इसीलिए, लेकिन गर्मी में दोस्तों इसका जो है बिक्री सेल बहुत ही ज़्यादा रहता है। अगर आप जो है उसी में आप गन्ने का जूस रखिए, उसके बाद अगर आप उसमें एक जूस और बनाइए जो कि नींबू का, इससे क्या होता है दोस्तों दो वैरायटी का आपके पास जूस हो जाता है। इसमें बहुत ही अच्छा पैसा रहता है, क्योंकि दोस्तों 10 रुपये 20 रुपये गिलास जो है जूस है। अगर आप नींबू का जूस बना रहे हो तो उसमें भी 10 रुपये 20 रुपये जिस तरह से रहता है दोस्तों उसी तरह से उसका रेट रहता है। तो बहुत जगह जो दोस्तों क्या है, बाजार में आदमी पानी पीने के बजाय यही पीता है, और गर्मी के मौसम में ज़्यादातर आदमी नींबू पानी हो गया, गन्ने का जूस हो गया, ये सब ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इसीलिए दोस्तों ये बिजनेस बहुत ही अच्छा बिजनेस है। इसमें जो है आपको लागत एक ही बार लगाना है, जो कि वो आपको इंजन खरीदना है गन्ना पेरने वाला, उसके बाद उसका जो ठेला होता है दोस्तों वो आपको उसमें करना है दोस्तों। उसका आप जो है वहाँ पे जहाँ पे आप कीजिएगा वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जहाँ से आप लोगे। तो उसी तरह से दोस्तों ये बहुत ही अच्छा बिजनेस, आपको लागत एक ही बार लगना है और इसे आप परमानेंट जो है कर सकते हो, चाहे अपने बाजार में कर सकते हो, चाहे आप कहीं दूर दूर जाकर भी इसे बेच सकते हो। इसीलिए दोस्तों वहाँ पे क्या है, एक सुविधा रहती है इंजन फिट रहता है, तो आप जो है कहीं भी ठेला ले जाकर दूसरे जगह में भी बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक ही जगह में आप बेच सकते हो, इसका कोई शॉप नहीं है दोस्तों। शॉप खोलने का कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि पब्लिक जो है जब देखती है तभी वो उसको मतलब खरीदती है, उसके बाद इसका शॉप नहीं रहता है। वो अलग बात है कहीं पर जो जिसका जो जूस का दुकान है ऑलरेडी वो पहले से ही रखा हो वो बेच रहा हो अलग बात है, लेकिन इसका ज़्यादातर जो है दोस्तों घूम घूम के बेचना ही इसका बहुत ही अच्छा जरिया है। तो उस ठेले के माध्यम से आप कहीं भी दूर दूर भी जाके बेच सकते हो। तो दोस्तों यही रहा आज का बिजनेस आइडिया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक करें, हमारे चैनल को।